कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम को आधारित यह पाठ मालवजी फौजदार इस पाठ का भाग 3 लेकर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, मालवजी फौजदार पाठ के भाग 1 के वीडियो में मैंने आपके समक्ष छत्रपति शिवाजी की सूरवीरता का वर्णन किया था, साथ साथ में मैंने तानाजी मालसरे जो शिवाजी के बहादुर सेनापति रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। विद्यार्थियों, भाग 1 और भाग 2 के वीडियो में मैंने मालवजी फौजदार की सूरवीरता, निडरता, साहस जो उनका रहा है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी, साथ में पाठ वाचन के साथ यहाँ पे हम भाग 3 का वीडियो लेकर के आगे आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त भाग 3 के वीडियो में अपूर्ण पाठ की समीक्षा पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, जब मालवजी फौजदार छत्रपति शिवाजी का वध करने के लिए गए तो तानाजी मालसरे ने उन्हें यह कार्य करने से रोक लिया, लेकिन इस बीच महाराज जाग गए थे। उन्होंने मालव जी का यह दुस्साहस देखा, सोचने लगे बहुत कम उम्र में यह मेरी हत्या करने के लिए आ गया है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया होगा। वह उस बालक से बात करते हैं तो पता चलता है कि बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मालव जी के पिताश्री महाराज छत्रपति शिवाजी के ही सैनिक थे, लेकिन वे शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के कुछ वर्षों के भीतर ही यहाँ इस परिवार के खाने पीने के लाले पड़ गए। तब किसी देशद्रोही सैनिक ने इस के परिवार की मदद की, मालव जी के परिवार की मदद की। उसने कहा, यदि तुम शिवाजी का वध कर देते हो तो हम तुम्हें खाने पीने के लिए पर्याप्त सुविधा देंगे। इस पर मालव जी फौजदार शिवाजी का वध करने के लिए आए थे। ऐसे समय में महाराज शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। इस पर मालव जी कहते, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हो उसके परिवार के लालन पालन की चिंता करना आपका ही कर्तव्य है। यानी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है। यहाँ पे मालव जी कहते हैं कि सैनिक के परिवार की जिम्मेदारी राजा को लेनी चाहिए, राजा को लेनी चाहिए। बालक की निडरता से मन ही मन शिवाजी प्रसन्न होते हैं। शिवाजी फिर भी कहते हैं, रोष के साथ, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल हम इसे मृत्यु दंड देंगे, मृत्यु की सजा देंगे। मालव जी मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की क्षमा मांगता हूँ, एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने के बाद न लौटे तो मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य लौट आऊँगा। राजा उसे जाने देते हैं और उसके बाद शिवाजी तानाजी को कहते हैं, तानाजी तुम जानते हो मैं बालक के साथ कैसा व्यवहार करूँगा। नहीं महाराज,
शिवाजी कहते हैं मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त कर दूंगा और अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार तानाजी मालुसरे को शिवाजी कहते हैं। यहाँ माधव जी अपने घर जाता है। दूसरा दृश्य यहाँ पे उपस्थित होता है। शिवाजी तानाजी को, तानाजी न जाने क्यों मेरा हृदय उस बालक के लिए काफ़ी अधीर हो रहा है, उसके प्रति प्रेम उमड़ रहा है, पता नहीं वह बालक आएगा भी या नहीं। तानाजी कहते हैं कि महाराज मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि वह बालक में काफ़ी साहस था लेकिन दुस्साहस भी था। तानाजी कहता है नहीं, इसको दुस्साहस नहीं कहते क्योंकि हमारी भी कुछ गलतियां है। हमने अपने सैनिकों का पूरे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। जो सैनिक देश के लिए शहादत अपना लेते हैं उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी अवश्य थी। ऐसा कहते उसी समय तानाजी का प्रवेश होता है। तानाजी को बुला लिया जाता है। तानाजी को शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, ऐसा वह तानाजी से बात कर रहे थे। यहाँ मालव जी आ गए। महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए उपस्थित है। शिवाजी कहते वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। इस पर मालव जी कहते महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी इंतजारी कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही देखते उसने मुझे छाती से लगा दिया। उस समय मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न बढ़ी। यहाँ पे विद्यार्थियों, मालव जी अपनी माँ से सत्य बात नहीं कह पाया क्योंकि माँ को दुख हो जाता ना, वो अपनी माँ को दुख भी तो नहीं पहुँचाना चाहता। अब मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, उसने अपनी माँ को बताया या नहीं बताया यहाँ पे उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना अवश्य उल्लेख है कि मैंने अपनी माँ को नहीं बताया, शुरुआत में तो नहीं बताया। वह वापिस आ चुका है, कहता है मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आज जो चाहे कर, आप जो चाहे कर सकते हो, परंतु मरने से पहले एक बात आपसे पूछ लेता हूँ। शिवाजी कहो कौन सी बात है। मालव जी मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने सिर पर उठा लीजिएगा। शिवाजी तुम वीर पुत्र हो, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, वीरों का मैं आदर करता हूँ। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब से तुम हमारे ही एक सैनिक बन जाओगे और अपने देश की सेवा करोगे। हम तुम्हारी जो भूल है उसे माफ करते हैं, हम तुम्हारा अपराध क्षमा करते हैं। मालव जी शिवाजी के चरणों में, छोटा सा लड़का तो है, चरणों में गिर जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे थे, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। छत्रपति शिवाजी की बहादुर घटनाओं का वर्णन करते करते बहुत समय लग सकता है। किस प्रकार औरंगजेब की सेना को बार बार युद्ध में पराजित करने का श्रेय शिवाजी के पास जाता है। विद्यार्थियों, शिवाजी ने इस बालक को माफ कर दिया और अपनी गलती भी मनोमन स्वीकार की और निश्चित तौर पर शिवाजी ने जो भी सैनिक वीरगति प्राप्त होता होगा उसके परिवार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उन्हें आर्थिक परिस्थिति खराब ना हो इसके लिए मदद भी की ही होगी। मालव जी महाराज यह शरीर आपका ही है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।
तो विद्यार्थियों यहाँ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ देखा। यहाँ भाग तीन की समाप्ति होती है। कुछ मुहावरे देख लेते हैं। प्राण न्योछावर होना अर्थात जीवन समर्पित करना, वध करना अर्थात हत्या करना, हिम्मत न पड़ना बात न कर सकना, जीवन दान देना जीवन जिंदा जाने देना। तो यहाँ पे विद्यार्थियों मुहावरे भी यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किए आज के इस वीडियो में। भाग तीन के वीडियो में अपूर्ण पाठ को पूर्ण किया गया है। विद्यार्थियों पाठ का स्वाध्याय लेखन आप पूर्ण कीजिए। पाठ के वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। और मैं एक बार आपको कह देता हूँ कि इस पाठ को आरंभ से अंत तक एक बार अवश्य वाचन कीजिएगा। अपने पाठ्य पुस्तक में से संपूर्ण पाठ का वाचन अवश्य कीजिएगा। अब इस वीडियो से मैं अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।